हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनू आपको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको खिचड़ी बनाना बताऊंगी। ये काफी टेस्टी बनता है फ्रेंड, और बहुत ही आसानी से बन जाता है। ये अपना नेशनल फूड है, इसे बनाना भी बहुत आसान है। फ्रेंड्स, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अपने फीडबैक मुझे जरूर बताइए। खिचड़ी बनाने के लिए हमने ये चावल को 3-4 पानी से वॉश करके फ्रेंड इसको पूरा पानी निकाल ली हूँ, ताकि ये चावल थोड़ा फूल भी जाए और ड्राई भी हो जाए थोड़ा चावल, ताकि भुनने में अच्छा होगा। ये हमने 2 बड़े आलू लिए फ्रेंड, इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। गोभी, फूल गोभी है, इसे भी हमने बारीक छोटे टुकड़ों में कट किया है फ्रेंड। 1 बड़े टोमेटो लिया है, इसको भी हमने छोटे टुकड़ों में कट किया है। ये फ्रोजन मटर का हमने यूज किया फ्रेंड, ये फ्रोजन मटर है। और ये गाजर है, गाजर को भी हमने छोटे टुकड़ों में कट करके लिया है। और ये चना दाल है, ये मसूर दाल है। दाल फ्रेंड्स आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कौन सा दाल में बनाना चाहेंगे खिचड़ी, ये ऑप्शनल है, आप जो चाहे उस दाल में आप यूज कीजिए। ये 1/2 चम्मच गरम मसाला है, ये टेस्ट के अनुसार नमक है फ्रेंड्स। इसमें हमने किचन किंग मसाला लिया है, इसकी रेसिपी पिछले वीडियो में है फ्रेंड्स। ये 1/2 चम्मच हमने हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच रेड चिली, लाल मिर्च पाउडर, ये हमने घी लिया है। इसमें हमने 1/2 चम्मच जीरा, 2-3 छोटे टुकड़ों में दालचीनी का लिया है, 1 बड़ी इलायची और 1 तेज पत्ता लिया है फ्रेंड। इसमें 2 हमने हरी मिर्च को बीच से कट करके लिया है, और अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, और धनिया पत्ता। इन दोनों दालों को फ्रेंड थोड़ी देर के लिए पानी में डालूंगी, ज्यादा देर नहीं डालना है इसे, बस पानी में डाल के थोड़ा भिगोना है। इधर हमने कुकर गरम होने रख दिया फ्रेंड, कुकर गरम हो गया है। अब मैं इसमें ये घी ऐड करूंगी। ये जीरा और बड़ी इलायची और दालचीनी के 2-3 टुकड़े और तेज पत्ता डालूंगी, थोड़ा क्रैकल करने दूंगी इसे। जीरा भून गया फ्रेंड, अब मैं इसमें आलू ऐड करूंगी, आलू को थोड़ा सा फ्राई करूंगी, ये बहुत जल्दी पक जाएगा फ्रेंड। इसे कुकर में जब सीटी लगाऊंगी, एक सीटी लगाऊंगी तो सारा सब्जी अच्छे से कुक हो जाएगा। इसे 2-3 बार आलू को भूनने के बाद अब मैं इसमें गोभी ऐड करूंगी, इसे भी थोड़ा भून लेती हूँ। ये सब्जियां हल्का सा हमने इसे भून लिया फ्रेंड, अब इसमें मसाले ऐड करूंगी, ये अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च, और ये हमने जो सूखे मसाले लिए, गरम मसाला, ये लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और किचन किंग मसाला, इसे ऐड करूंगी। गरम मसाला फ्रेंड बाद में ऐड करेंगे, इसे थोड़ा सा भून लेते हैं मसालों को। इसे सारा प्रोसेसिंग फ्रेंड मीडियम फ्लेम पे ही करना है, हाई फ्लेम में मसाले भी जल जाएंगे और सब्जियां भी जल जाएंगी, इसे मीडियम फ्लेम में ही बनाना है फ्रेंड। ये भून गया मसाला, बहुत जल्दी भून जाता है फ्रेंड, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मसालों के। ये भूनने के बाद अब मैं इसमें टोमेटो ऐड करूंगी, इसे भी 2-3 बार मिक्स करना है और चलाना है फ्रेंड। ये सारे सब्जी कुकर में जब सीटी लगेगी तो सारा पक जाएगा। अब मैं इसमें गाजर ऐड करूंगी और ये मटर भी डाल दूंगी,
दो से तीन बार फैन चला लेना है। देखिए काफी कलरफुल दिख रहा है अभी से। ये सारी सब्जियां ऑप्शनल है फ्रेंड, आप डालना चाहते हैं तो डालिए। ये टेस्ट के अनुसार नमक ऐड करूंगी। अब मैं जो चावल को वॉश करके रखी हूँ, देखिए इस तरह से पूरा चावल हो गया। धो करके साफ करके हमने थोड़ा सा सुखा लिया है। अब इसे ऐड करूंगी। मिक्स कर लेते हैं फिर। बहुत जल्दी बन जाता है, इसे बनाने में मुश्किल से 5 मिनट्स का टाइम लगता है। और अब मैं इसमें ये दाल ऐड करूंगी। इसे पानी में हमने भिगो के रखा था, दो पानी से वॉश करके और दाल को पानी में डाल के थोड़ा हमने रखा है फ्रेंड। अब हाई फ्लेम कर देंगे और इन सब्जियों को मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्स हो गया है। अब इसमें जितना मुझे पानी चावल बनाने में दाल पकाने में लगता है फ्रेंड, इसमें हम 2 बड़े कप से पानी ऐड करेंगे। इतना पानी ऐड करेंगे कि ये देखिए चावल और दाल के ऊपर लेबल में है पानी। और इस तरह से इसमें 1 सीटी हम आने देंगे। थोड़ा सा धनिया पत्ता अभी स्प्रिंकल कर देंगे। बाकी धनिया पत्ता मैं बचा के रखी हूँ, नेक्स्ट टाइम डालूंगी इसे। अभी गरम मसाला ऐड करती हूँ फ्रेंड, इसे भी मिक्स कर देते हैं। एक बॉईल आ जाए तो इसकी ढक्कन लीड लगा दूंगी। अभी बॉईल नहीं हुआ है, एक बॉईल आने तक वेट करेंगे। जब बॉईल आ जाएगा फिर इसकी लीड लगाऊंगी और 1 व्हिसिल आने के बाद कुकर में गैस बंद कर दूंगी। ये अच्छे से बॉईल हो रहा है फ्रेंड। अब मैं इसकी लीड को बंद कर दूंगी और 1 व्हिसिल आने दूंगी। जब 1 व्हिसिल आ जाएगा तो खिचड़ी तैयार हो जाएगी। ये अपना नेशनल फूड है फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी बनता है और बनाने में भी देखिए 5 मिनट्स का टाइम लगता है। 1 व्हिसिल आने दूंगी हाई फ्लेम पे। ये हमने गैस बंद कर दिया था 1 व्हिसिल आने के बाद। ये देखिए ठंडा भी हो गया है। अब मैं इसकी लीड हटाऊंगी फ्रेंड। और ये देखिए काफी अच्छे से रेडी हो गई है, दाल भी पक गया है फ्रेंड। इसमें थोड़ा पानी ऐड करूंगी मैं। हमने 1 कप पानी इसमें डाला है और ये खिचड़ी रेडी हो गया। बहुत ही टेस्टी बना है फ्रेंड। आपको और थोड़ा पतला चाहिए तो आप पानी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा और ऐड करूंगी इसमें। ये देखिए बहुत ही बढ़िया बना है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और काफी टेस्टी है और हेल्दी भी है फ्रेंड। ये देखिए बहुत अच्छी खिचड़ी बनी है। इसे बनाने में भी बहुत कम समय लगा फ्रेंड और ये अपना नेशनल फूड भी है। देखिए